on my grind. क्लच जो है ड्राइव ट्रेन का सबसे ज्यादा घिसने वाला, सबसे ज्यादा वेयर आउट होने वाला पार्ट है। हो भी क्यों ना, वो चलते हुए इंजन में रुकी हुई गाड़ी को कनेक्ट करता है आपस में, गियर बॉक्स को कनेक्ट करता है आपस में। जब वो आपस में कनेक्ट होता है तब उसके बीच में एक घर्षण पैदा होता है, तब वो घिसता है, घिसते हुए वो कनेक्ट होता है। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि क्लच बिल्कुल घिस जाता है, उसका जो फ्रिक्शन वाला पार्ट है, फ्रिक्शन वाला जो मटेरियल है, घिस के बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि क्लच स्लिप होने लग जाता है। इनिशियल स्टेज में हमें पता चल जाए तो वो बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि क्लच अगर स्लिप कर रहा हो तो उससे नुकसान ये होते हैं कि हमारे गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है और हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। हम एक्सेलेरेट नहीं कर पाते उस हिसाब से, हम प्रॉपर पावर डिलीवरी नहीं कर पाते अपने इंजन की अपने व्हील्स पे। तो ये नुकसान है घिसे हुए क्लच का इस्तेमाल करने से। तो बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा क्लच घिस चुका है, हमारे यहाँ जो क्लच है हेल्थी कंडीशन में है या नहीं। बहुत ही सिंपल मेथड है और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे जज कर सकते हैं कि आपका क्लच बिल्कुल घिस चुका है या सही कंडीशन में है। तो सबसे पहला मेथड ये है कि आप जब अपनी गाड़ी चलाते हैं तो आप किसी भी गियर में चला रहे हो, तीसरे या चौथे गियर पे, तो आपने एक सर्टेन अमाउंट में एक्सीलेटर को प्रेस किया होगा। तो आपने करना क्या है, उसी गियर में गाड़ी को चलते रहने देना चाहिए और आपने करना क्या है, एक बार क्लच दबा के रिलीज करना है, एक्सीलेटर को उतना ही दबा के रखना है। एक बार क्लच दबाएंगे तो आपके आरपीएम इंक्रीज हो जाएंगे, तो आप जैसी क्लच छोड़ेंगे तो आपके आरपीएम जो है पहले के आरपीएम के बराबर हो जाने चाहिए या फिर कम हो जाने चाहिए। अगर नहीं होते हैं, काफी देर बाद होते हैं, तो इसका मतलब आपका क्लच स्लिप कर रहा है। और दूसरा मेथड है कि आप अपनी गाड़ी अगर तीसरे गियर में चला रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी को तुरंत सेकेंड गियर में डालिए और क्लच रिलीज कीजिए। क्लच रिलीज करने के बाद आपके गाड़ी के आरपीएम इंक्रीज हो जाने चाहिए। अगर इंक्रीज नहीं होते हैं तो इसका मतलब क्लच स्लिप कर रहा है, या फिर कुछ देर के बाद इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका क्लच स्लिप कर रहा है। जो तीसरा मेथड है उसमें आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी को सडनली एक्सेलरेट करना है। अगर जब आप अपनी गाड़ी को सडनली एक्सेलरेट करते हैं तो आपके आरपीएम बढ़ते हैं, स्पीड नहीं बढ़ती, तो ये भी एक तरीका है पहचानने का कि आपका क्लच स्लिप कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है कि वो इंजन के साथ अपनी पकड़ नहीं बना पाता और आपके इंजन के आरपीएम तो इंक्रीज हो जाते हैं लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ती, इसका मतलब लॉस हो रहा है पावर का, आपका क्लच स्लिप कर रहा है। तो ये तीन सिंपल मेथड है जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपका क्लच हेल्थी कंडीशन में है या नहीं, या फिर खराब है या स्लिप कर रहा है। तो जब भी आप कोई यूज्ड कार लेते हैं तो ये बहुत अच्छा मेथड है चेक करने का कि उस गाड़ी का क्लच सही हालत में है या नहीं। क्लच की लाइफ डिपेंड करती है आप क्लच का किस तरीके से यूज कर रहे हैं। क्लच का सही तरीके से यूज करना चाहिए। हाफ क्लच में अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो उस टाइम पे ज्यादा वेयर आउट होता है क्लच, और बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है, हमारी मजबूरी होती है कि हमें हाफ क्लच में चलाना पड़ता है, तो इसको हम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते हाफ क्लच को। और कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हाफ क्लच में ना चलाए, अननेसेसरी हाफ क्लच में नहीं चलाना चाहिए, क्लच के ऊपर पांव रख के क्लच के ऊपर वेट दे के नहीं चलाना चाहिए जिससे कि क्लच अननेसेसरी स्लिप करे और घिसे। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। कोई प्रश्न या सुझाव होंगे तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में मैं इजाजत लेना चाहूंगा, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।